भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और दो बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे, लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले दो हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा, अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे, फिर एक रोज रेखा का मोहबोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गाँव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ माधव, बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना एक मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप, आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा, फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए, आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं, ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता। उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से
अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में ना तो उसके ढाबे की छत टपकती और ना ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता।